राष्ट्रीय जनता दल एमएलए कुंती देवी सन एलिजेडली थ्रैश्ड अ डॉक्टर इन जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल हियर ऑन थर्सडे. Devi's son Ranjit, along with few other hooligans, came to the hospital and hit Satyendra Kumar with a wheelchair. Kundi Devi, विधायक का बेटा रंजीत अपने 5-6 गुर्गों के साथ आया और कहने लगा प्रभारी का रजिस्टर हमको दिखाओ, हम उसको चेक करेंगे. तो वहाँ के जो स्टाफ थे बोले कि अभी तो रजिस्टर बंद है, कि सुबह में आकर चेक कर लीजिएगा सर. इसी तरह कई और बात बोला, फिर बोला डॉक्टर कहाँ है, उसकी नीयत हमें अच्छा नहीं लग रही थी. बोली हम थोड़ा सा अलर्ट थे कि कुछ करिए. हम पोलाइटली बोले हम भी सर अब तो उसके सामने मेरा ही ड्यूटी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. बोला बैठ जाओ. बैठे नहीं सर, हमको लगा कि मेरे साथ ही माँ फूट कर रहे हैं, इसलिए हम खड़ा रहना उचित समझे. शायद हम खड़ा रहने की स्थिति में अपना अच्छा बचाव कर सकते थे. हुआ भी वो जो है ना, अब सब अपना शुरू किया, ये हॉस्पिटल मेरा है ना, तुम वो नेगरदी करते हो, रंगदारी करते हो, सर क्या करते हैं, कुछ ऐसे बात बताइए. उस पर जो है ना वो व्हील चेयर जो है ऊपर माइक के लिए आया, घुमा के हम सर तो अपना बचा ली, लेकिन सीने में चोट है. उसके बाद हैंड से मारा है सीने में, सीने में दर्द है, सर में दर्द है. कोई पुलिस वाला नहीं यहाँ, इवन मैंने गार्ड तक हमको नहीं मदद किया. दो दो वो गार्ड ड्यूटी पर था, कोई इतना सब सब उससे भयभीत रहता है, किसी तरह की बात नहीं है. लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि आज वो कुछ करने आया, गलत करने आया है. Such an incident has raised a question on the law and order situation in Bihar. Correspondent Surya Pratap from Gaya for ANI. ये हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर यहाँ का विधि व्यवस्था चौपट हो गया है. जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है तब से आए दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है. दो इंजीनियर मारे गए, दो पुलिस ऑफिसर मारे गए, ये डॉक्टर के क्लिनिक पर फायरिंग होती है, सीसीटीवी में कैमरा में कैद होता है. एक सोनार मारा, ये सोनार अपने दुकान पर मारा गया यहीं पासी में. ये जंगल आज फिर आ गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं. और अगर मुख्यमंत्री जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो यहां से सभी व्यापारी सब भाग लेंगे. जहां तक कि विधायक का सवाल है, मैं तो मानता हूं कि उसको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, तुरंत उस पर केस होना चाहिए. अगर कोई मन चला ये नेता अगर किसी को पीटता है तो वो उलट करके वो वापस पीटता क्यों नहीं, वो भी पीट देता ना नेता को, ऐसा ही होना चाहिए. बाकी जितने लोगों पर ये केस हुए उन पर भी तो केस वापस होने चाहिए. सिर्फ लालू जी पर केस क्यों वापस हो, और भी जो लोग उस इन तरह के मामलों में अक्यूज हैं सबका केस वापस कर दीजिए. नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन तो क्लियर है. ये विधायक के ऊपर जब बिहार में कार्रवाई हो रही, तो विधायक के ऊपर कैसे नहीं कार्रवाई हो?